कृपया मोबाइल को घुमा के वीडियो के अनुसार एडजस्ट कर लें। नमस्कार फ्रेंड्स, जोहार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जॉब इन्फॉर्मेशन में। दोस्तों, जैसा कि आप लोग सबको पता है कि पंचायत सचिव का रिजल्ट बहुत जल्द आने वाला है। जी हाँ दोस्तों, पंचायत सचिव का रिजल्ट बहुत ही जल्द आने वाला है। तो मैंने इसका वीडियो सुबह ही डाला था और इसी को लेकर के मैंने बताया था कि इसका टाइपिंग का टेस्ट क्या होगा, क्या पंचायत सेक्रेटरी का किस तरह कंप्यूटर स्किल का टेस्ट देना है और क्या टाइपिंग है। तो उसमें से मैं अभी जो कंप्यूटर स्किल टेस्ट है उसका एक वीडियो बना रहा हूँ आप लोगों के सामने, और टाइपिंग का जो वीडियो है मैं इसके बाद लेके आऊँगा। अब वो मैं कल सुबह आप लोगों को दे दूँगा। यहाँ पर वीडियो में आप लोग देख सकते हैं कि टाइपिंग कैसे होगा। अभी मैं जो वीडियो बना रहा हूँ वो है पंचायत सचिव के लिए जो कंप्यूटर स्किल टेस्ट है। जी हाँ दोस्तों, उस कंप्यूटर स्किल टेस्ट में क्या क्या होना है, कैसे कैसे एग्ज़ाम होगा, उसका मैं पूरा बता रहा हूँ आपको। मैंने यहाँ PDF खोला हुआ है, ये झारखंड कर्मचारी चयन आयोग में जो आया था आपका पंचायत सचिव का, उसका मैंने PDF खोला है। चलिए देखते हैं और आपको उसको पूरे डिटेल से बताते हैं। आप मेरे वीडियो के साथ पूरा बने रहें, इसको लास्ट तक देखें तो आपको समझ में आएगा। तब तक जो जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए कृपया वो चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो अगर अच्छा लगता है तो ज़रूर लाइक करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। चलिए अभी हम लोग पेज 38 में चलते हैं। वहाँ पर आपको बताया गया है इसके पूरे डिटेल्स के बारे में। जी हाँ दोस्तों, पेज 38 आ चुके हैं। देखिए यहाँ पे कंप्यूटर ज्ञान एवं कंप्यूटर पर हिंदी टंकन से संबंधित ज्ञान। तो हम लोग अभी टंकन को छोड़ के हम लोग सिर्फ अभी कंप्यूटर स्किल टेस्ट का देखते हैं जो पंचायत सचिव के लिए है स्पेशली। तो इसमें बोला गया है कि विवरणिका की कंडिका 6.1 स्तंभ 2 तथा 6.2 के आलोक में पद के विकल्प के आधार पर पद विशेष की अपेक्षा के अनुसार मुख्य परीक्षा के पश्चात अभ्यर्थियों का कौशल परीक्षण लिया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, इसमें कौशल परीक्षा की बात कही गई है। और ऊपर में देख रहे हैं यहाँ 15 गुना, देखिए यहाँ 15 गुना देख रहे हैं। तो मैं आपको बता देता हूँ कि ये पहले जो पंचायत सचिव एग्जाम आया था वो PT मेंस से आधारित था, उससे पहले 15 गुना लेना था, लेकिन मेंस तो PT तो हुआ नहीं, डायरेक्ट मेंस हुआ है। तो आपका जो भी आप जिस कैटेगरी में आते हैं आपको वहाँ पर 2.5 गुना लेगा। जी हाँ दोस्तों, जो कंप्यूटर स्किल टेस्ट होना या टाइपिंग होना उसके लिए 2.5 गुना बच्चों को लिया जाएगा। तो चलिए अभी यहाँ कंप्यूटर चालान यहाँ खोल लेते हैं हम लोग। तो इसमें बताया गया है कि विवरणिका की कंडिका 6.2 के आलोक में अभ्यर्थियों का कंप्यूटर चालन परीक्षा लिया जाएगा, इनमें उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। जी हाँ दोस्तों, आपको 40% अंक लाना है। चलिए इसके बारे में हम लोग जो कंडिका 6.2 के में क्या दिया नहीं दिया हम उसको पूरे डिटेल से देखते हैं। चलिए जानते हैं, इसके लिए हम लोग को पेज 20 या 21 में जाना पड़ेगा। चलिए हम लोग वहाँ चलते हैं और आपको पूरे डिटेल से बताते हैं, आप मेरे वीडियो में बने रहें। बस हम लोग पहुँच ही रहे हैं, 20 आ चुका है। चलिए देखिए दोस्तों, ये खुल चुका है। अभी पंचायत सचिव का हम लोग बात कर रहे हैं, तो बस हम लोग पंचायत सचिव का जो कंप्यूटर स्किल टेस्ट उसके बारे में बात करेंगे। अभी पहले इसको पढ़ रहे हैं, फिर हम इसको पूरे डिटेल से आपको बताएंगे। चलिए, तो पंचायत सचिव के पद का विकल्प देने वाले अभ्यर्थियों के संदर्भ में आयोजित कंप्यूटर चालन परीक्षा में अभ्यर्थी के MS वर्ड, MS एक्सेल, MS पावर पॉइंट, ईमेल भेजने एवं प्राप्त करने इत्यादि के व्यवहारिक ज्ञान का परीक्षण किया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, बेसिकली आपका 4 एग्जाम होना है उसके तहत जो पंचायत सचिव का स्किल टेस्ट होगा, उसमें आपका MS वर्ड, MS एक्सेल, MS पावर पॉइंट और ईमेल भेजने और प्राप्त करने का ही आपका ये एग्जाम लिया जाएगा। इसके अधीन टंकन तथा पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन तैयार करने के लिए अनुच्छेद पैराग्राफ को मिलेगा आपको। आपको ये सारा हिंदी में आएगा, उसको आपको टाइप करना है और उसका फिर प्रेजेंटेशन आपको बनाना है। उसके अलावा MS एक्सेल पर जांच के लिए औसत, प्रतिशत, जोड़, घटाव इत्यादि से संबंधित आंकड़े अभ्यर्थियों को दिए जाएंगे। प्रश्न के अनुसार इनका उत्तर तैयार कर अभ्यर्थी द्वारा आवेदन पत्र में अपने रजिस्टर्ड ईमेल से प्रश्न में दिए गए ईमेल पर भेजना होगा। जी हाँ दोस्तों, आपको MS एक्सेल पर जाना है, वहाँ पर जो भी आपको क्वेश्चन दिया रहेगा उसका औसत, फिर प्रतिशत, जोड़ और घटाव, ये 4 चीज़ करने दिया जाएगा, इसमें आपको करना है। और उसके बाद आपको जो आपका जो रजिस्टर्ड ईमेल है उससे आपको जो ईमेल दिया जाएगा उसमें भेजना है, फिर वहाँ से ईमेल प्राप्त करना है। इसी प्रकार का है ये। इसमें प्रत्येक खंड के लिए अधिकतम 25 अंक, कुल 100 अंक निर्धारित रहेंगे। जी हाँ दोस्तों, मतलब कि MS वर्ड से 25 अंक, पावर पॉइंट से 25 अंक, एक्सेल से 25 पॉइंट और मेल भेजना और इसे करने और वहाँ से मेल को रिसीव करना, इसमें आपको 25 अंक है। तो कुल चारों मिला के आपको 100 अंक आएगा। अगर कम से कम आपको उत्तीर्णता के लिए 40 अंक लाना है, और इससे कम अगर आप लाते हैं तो आप स्वतः ही अनुत्तीर्ण घोषित हो जाएंगे। चलिए मैं आपको उसके पूरे डिटेल से बताता हूँ। तो
हम लोग इसमें देख रहे हैं कि जो जो स्किल टेस्ट है, तो कंप्यूटर स्किल का टेस्ट है जो वो हिंदी में होगा। जी हाँ दोस्तों, अभी इंग्लिश में सब करते हैं, इंग्लिश में तो बहुत इजी है, और हिंदी में भी उतना हार्ड नहीं है, टफ नहीं है, आप थोड़ा सा प्रैक्टिस कीजिए। और इसलिए हिंदी में कहता है कि झारखंड का जो भी जितना भी एग्ज़ाम होता है सब वो सब हिंदी में ही होता है। जी हाँ दोस्तों, सारा झारखंड का सॉरी एग्ज़ाम बोलता है, जितना भी काम वाम होता है ऑफिस ऑफिस में सब हिंदी में होता है, इसलिए आपको हिंदी में ही इसका स्किल टेस्ट लेगा। आप थोड़ा टाइपिंग की प्रैक्टिस कर लीजिए। उसके बाद आपको बताता है कि एमएस वर्ड में जो है उसका जो प्रश्न है उसमें पहले आपको एक अनुच्छेद देगा, उसमें क्या उसका फॉन्ट कलर चेंज करना है, उसका फॉन्ट साइज करना है, उसके बाद आपका उसमें उसको बोल्ड करना है, इटैलिक करना है उसका, फिर चारों तरफ से बॉन्ड, ये आपका क्या बोलते हैं उसको, वो बॉर्डर वॉर्डर देना है उसको, लेफ्ट राइट सेंटर ये सब करना है, जस्टिफाई करना है उसको, ये सब आपको एमएस वर्ड में करना है। साइज बढ़ाना है, छोटाना है, छोटा करना है आपको, पूरा इसको करना है। उसके बाद एक्सेल, एक्सेल में बात करते हैं, वो हम लोग बात किए एमएस वर्ड का, उसमें से आपको आपको मिल जाएंगे 25 अंक उसमें रहेंगे। और एक्सेल का बात करते हैं, एक्सेल में आपको कुछ डेटा दिए जाएंगे, उन डेटा को आपको उसमें जोड़ करना है, घटाव करना है, औसत करना है, प्रतिशत करना है। हम लोग जानते हैं कि इक्वल का सिंबल देके सम लिख के हम लोग उसको करते हैं कैसे कैसे, फिर इसको आप इसको थोड़ा प्रैक्टिस कीजिए। और एमएस वर्ड में बताए गए टॉपिक में भी ये सब है, ठीक है। उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि एमएस पावर पॉइंट, तो एमएस पावर पॉइंट में जनरली आपको प्रेजेंटेशन करना पड़ता है, तो दो तीन चार स्लाइड आपको देगा, हम ज़्यादा नहीं देगा, दो तीन स्लाइड ही मिलेगा आपको, उसमें आपको उसको आर पार करना है, उसमें म्यूजिक वगैरह भी आप ऐड कर सकते हैं, तो वहाँ पर म्यूजिक ऐड करना नहीं है, बस आपको वहाँ पर इसका जो बनाना है, जो आप जो भी बनाएंगे एमएस एक्सेल में या फिर एमएस वर्ड में, उसको प्रेजेंटेशन वहाँ पर दिखा देना है, और लास्ट में आपको उसको वहाँ पर मेल कर देना है। ये देखिए दोस्तों, ज़्यादा हार्ड नहीं है, ये ईजी ही है, ये बहुत ईजी है, आप थोड़ा सा प्रैक्टिस कीजिए। अगर आप इसका प्रैक्टिस करते हैं तो आराम से आप इसमें सफल हो सकते हैं, आपके मार्क्स आ जाएंगे, बस आपको 40 नंबर आना है, ज़्यादा नहीं। और कुछ दिन का मेहनत कीजिए, आप 15-20 दिन का मेहनत करते हैं उसी में आपका सिलेक्शन हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, कोई हार्ड काम नहीं है, इंग्लिश तो बहुत ईजी, इंग्लिश में तो सब कर लेते हैं, हिंदी थोड़ा सा टंकन का आप अभ्यास कीजिए, बहुत ईजी है, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। और आपको इतना जैसे हम पहले बता चुके हैं और भी बहुत सारे कोई वीडियो बना रहे हैं कि आपको समय बहुत कम मिलने वाला है, पंचायत सी का जो रिजल्ट है वो अब विद इन हो सकता है कि 1 सप्ताह के अंदर आ जाए या लास्ट जनवरी तक आए, लेकिन आ जाएगा आपको, और तुरंत आपको ज़्यादा दिन में नहीं मिलेगा आपको तैयारी करने का, इसलिए आप लोग अभी से लग जाएं और अच्छे से तैयारी करें। चलिए, हमारे आपको शुभकामनाएं हैं रिजल्ट के लिए भी और आगे टाइपिंग के लिए भी, सॉरी ये कंप्यूटर स्किल टेस्ट के लिए। और टाइपिंग का वीडियो जो है वो मैं कल सुबह बनाऊंगा, अभी रात हो गया है, आप मेरे चैनल के साथ जुड़े रहें। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर से सब्सक्राइब करें, और वीडियो अच्छा लगता है जरूर लाइक करें इसे। और नीचे में डिस्क्रिप्शन में अपने व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भेज दे रहा हूँ, अगर आप हमारे ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं तो उसके थ्रू वहाँ जुड़ सकते हैं। चलिए, धन्यवाद, शुभ रात्रि।